हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स फिजिक्स में वन लाइनर को पढ़ेंगे। चलिए, हमारा प्रश्न दिया गया है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जब भी फ्रेंड्स अगर हम एक सेकेंड में जो है जितनी भी दूरी तय करते हैं उसे क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। आगे दिया गया फ्रेंड्स कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अगर फ्रेंड्स इकाई समय एक सेकेंड में अगर किसी निश्चित दिशा में अगर दूरी तय करते हैं तो उसे क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। आगे प्रश्न कि सदिश राशियों को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन फिर जब अदिश राशि होती है उसमें केवल परिणाम होते हैं। सदिश राशियों में केवल परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। आगे देखिए प्रश्न फ्रेंड्स कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन, इसमें क्या फ्रेंड्स, स्थान परिवर्तन जो होता है की दर को जो है क्या कहते हैं, विस्थापन कहलाता है। जब हम फ्रेंड्स किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स कि विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। कैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए हम जो है यहाँ से ए से हम चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमने यहाँ तक चला, फिर यहाँ से जो है क्या किया कि लौट करके फिर यहाँ आ गया, यानी कि ए से बी तक गया, बी से कहाँ चला गया, ए तक लौट कर चला आया, यानी कि जहाँ से गए वहीं लौट कर चले, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन दूरी फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ जाने में जितना दूरी तय किए हैं या 2 किलोमीटर मान लीजिए दूरी है, तो जाने में 2 किलोमीटर और आने में 2 किलोमीटर, दूरी फ्रेंड्स हो गया 4 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया 0 किलोमीटर, यानी कि विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन फ्रेंड्स उसे कहते हैं शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी को, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो फ्रेंड्स ए से बी तक तो गए हैं, लेकिन बी से जब ए तक आ गए तो क्या हुआ, जहाँ शुरू के वहीं हम आ गए, यानी कि विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। ये इसीलिए बोला गया फ्रेंड्स कि विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। जब फ्रेंड्स किसी वेग में प्रति इकाई समय में अगर एक सेकेंड जितने जो है इकाई समय परिवर्तन होगा वेग, उसे क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि है। फ्रेंड्स त्वरण और विस्थापन क्या है, दोनों क्या है, सदिश राशि है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार जो फ्रेंड कोई भी अगर वस्तु गतिशील है फ्रेंड, तो वह गतिशील तब तक रहेगा जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल न लगा दिया, वह स्थिर फ्रेंड्स दिया गया कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है, तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जब तक लोग फ्रेंड्स हम उस पर कोई बाहरी बल न लगाए तब तक लोग क्या रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में या तो गतिशील रहेगा या फिर स्थिर रहेगा फ्रेंड्स। चलिए आगे प्रश्न है फ्रेंड्स कि विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। जब फ्रेंड्स गाड़ी अगर रुकी हुई रहती है तो जड़त्व बनाई हुई रहती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो है अकस्मात चलने लगती है, अचानक चलती है, तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। फ्रेंड्स जब गाड़ी चलेगी तो कहाँ झुकेंगे, पीछे की ओर। आगे देखिए फ्रेंड्स कि गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे झुक जाती है। जब फ्रेंड्स अगर गाड़ी गति करती रहती है तो अगर गाड़ी गति करती रहती है और अचानक ब्रेक अगर लगाते हैं तो हम क्या होते हैं कि आगे की ओर झटकाने की झुक जाते हैं। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स कि विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट से धूल झड़ जाती है। फ्रेंड्स क्या होता है कि धूल जो होती है विराम अवस्था में, जैसे हम डंडे मारते हैं उस पर गति उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, धूल झड़ जाती है। फ्रेंड आगे देखिए कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा निकलता है। क्या निकलता है फ्रेंड, न्यूटन के अगर प्रथम गति नियम को लागू करते हैं तो किससे परिभाषा मिलता है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, बल वह भौतिक कारण है फ्रेंड्स, बल जो है एक भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर
लगकर या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन की चेष्टा करता है, या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बल कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या होता है, तो कोणीय कोण वेग होता है। क्या होता है? कोणीय वेग होता है फ्रेंड। जब हम किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर, ध्रुवों के अंतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है फ्रेंड, तो कोणीय वेग का मात्रक होता है फ्रेंड्स रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग को मापते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, या इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। आगे देखिए फ्रेंड्स, कि किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग बोलते हैं। जब फ्रेंड्स किसी वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें संवेग उसे कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। फ्रेंड न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर से उसे वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रेंड, और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है फ्रेंड। बल का व्यंजक यानी कि क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ये याद रखिएगा फ्रेंड, एफ बराबर एम ए, यानी कि प्रथम नियम से क्या होता है, तो बल की परिभाषा, और द्वितीय न्यूटन के गति नियम से क्या होता है फ्रेंड, तो एफ बराबर एम ए, बल की व्यंजक प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। जब फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु बल की वस्तु या यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय यानी कि अल्प समय तक, बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को हम उस वस्तु का आवेग कहते हैं फ्रेंड। चलिए आगे देखिएगा फ्रेंड्स, कि जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। जब हम फ्रेंड्स किसी भी बल को परिणामी जो है शून्य नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, असंतुलित बल कहलाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब फ्रेंड्स हम किसी भी पत्थर को धक्का लगाते हैं या पत्थर के आदमी जो धक्का लगा रहा है, तो जितना वो धक्का लगाएगा फ्रेंड्स उतना ही जो पत्थर क्या करेगा, उसको भी धक्का लगाएगा, यानी कि विपरीत बराबर दिशा में बल लगाता है। यह न्यूटन के तृतीय गति का नियम कहलाता है। प्रथम से फ्रेंड बल, प्रथम से बल की परिभाषा मिला, द्वितीय से बल का यानी कि व्यंजक प्राप्त हुआ, और तीसरे जो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रत्येक की विपरीत प्रक्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है फ्रेंड। क्या रहता है, उसका संवेग क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यानी कि सेंट्रीप्यूगल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है फ्रेंड, तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है फ्रेंड। क्या होता है, उस पर जो बल जो क्या होता है, वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीप्यूगल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं फ्रेंड। अभिकेंद्रीय बल में जो होता है फ्रेंड कि वृत्ताकार मार्ग के अंदर जो है बल जो अंदर की ओर कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है, अंदर की ओर बल लगता है। आगे देखिए फ्रेंड कि अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगता है। जब फिर अपकेंद्रीय बल रहता है तो इसमें बल जो है बाहर की ओर लगता है। क्या होता है, इसमें बल जो है बाहर की ओर लगता है, और अभिकेंद्रीय बल में जो होता है बल अंदर की ओर लगता है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है फ्रेंड। जब पृथ्वी जो हमारे सूर्य के चारों ओर घूम रही है और इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण, यानी कि अंदर की ओर बल लगा रहा है तब ये चारों ओर घूम रहा है।
आगे देखें फ्रेंड्स कपड़ा सुखाने की मशीन देखेंगे फ्रेंड्स, कपड़ा सुखाने वाली मशीन जो होता है वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन क्रीम निकालने वाली मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करने के कारण क्या होता है कि दूध से मक्खन जो क्या होता है अलग हो जाता है, फिर क्या होता है अलग हो जाता है। और जो है अब केंद्रीय बल के कारण ही जो क्या होता है कि कपड़ा जो होता है यानी कि जिसमें गंदगियाँ हो जो होती है वो बाहर निकल जाती है, कपड़ा धुल जाता है। चलिए आगे दीजिएगा फ्रेंड्स कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। फ्रेंड बल द्वारा एक पिंड के एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहलाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स बल आघूर्ण एक सदिश राशि है फ्रेंड, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर जो है यानी कि बल आघूर्ण का मात्रक होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस अपने केंद्र की ओर खींचता है। भार एक प्रकार का फ्रेंड्स बल है जिसके कारण पृथ्वी क्या होता है वो अपनी ओर खींचता है। जब हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं फ्रेंड्स तो पृथ्वी क्या करती है उससे खींचती है, जिससे हमें क्या महसूस होता है भारहीनता भार महसूस होता है। भार एक प्रकार का बल है फ्रेंड्स। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इससे कार्य होना समझा जाता है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे क्या होना समझा जाता है, कार्य होना समझा जाता है फ्रेंड। आगे दिया गया है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है फ्रेंड। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड कि जितना जो है आप जितना जल्दी आप पर सेकंड में कार्य करते हैं फ्रेंड यानी कि एक सेकंड में जितना जल्दी कार्य करें उतना ही आपको उसका पावर यानी कि शक्ति कहलाता है। यानी कार्य करने की दर काम जो है आप कितना सेकेंड में करते हैं, मिनट में करते हैं, घंटा में करते हैं, आपका उसी को पावर कहलाता है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड्स कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है फ्रेंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, जबकि शक्ति का मात्रक फ्रेंड्स वाट होता है। शक्ति को किस में मापते हैं, वाट में। आगे देखिए फ्रेंड्स ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थिति ऊर्जा होती है। जब फ्रेंड्स हम किसी वस्तु पर जो बांध बनाकर जो है यानी कि पानी को रोकते हैं या वस्तु में स्प्रिंग पर जो है ऊंचाई पर स्थित वस्तु जो है वो इसमें भी क्या होता है स्थिति ऊर्जा होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा होती है। जब फ्रेंड्स घड़ी की चाबी होती है उसमें जो है ऊर्जा जो संचित रहती है वो भी एक प्रकार की स्थिति ऊर्जा होती है। आगे दिया फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। फ्रेंड ऊर्जा को तो न हम आप उत्पन्न कर सकते और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि जो इसके रूपांतरण किया जा सकता है, ऊर्जा को हम एक दूसरे से रूपांतरण करते हैं फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड्स एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में फ्रेंड्स 746 वाट होते हैं। कितने, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति बराबर। आगे देखिए फ्रेंड्स कि वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। जब फ्रेंड्स किसी भी वेग से अगर वैसा वेग जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से फेंक दें और वह वापस नहीं लौटे तो उसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं फ्रेंड। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6 गुना होता है फ्रेंड। क्या होता है यानी कि पृथ्वी पर भार जो है आपका जो है 60 kg होगा तो चंद्रमा पर भार आने की 1/6 हो जाएगा यानी कि 10 kg हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि 1/6 होता है। चलिए आगे दिया फ्रेंड्स पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 km/s होता है फ्रेंड, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 km/s होता है तथा चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 km/s होता है फ्रेंड। कहने का मतलब फ्रेंड कि जब हम किसी वस्तु को जो पृथ्वी से है हम 11.2 km/s के वेग से अगर फेंकते हैं फ्रेंड तो पृथ्वी पर लौट करके वापस नहीं आएगा। उसी प्रकार सौर मंडल पर हम 42 km/s के हिसाब से अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं फ्रेंड्स यानी कि 1 सेकंड में 42 किलोमीटर जाने पर वो भी जो है वो लौट करके सौर मंडल पर फिर वापस नहीं आएगा। अगर लेकिन चंद्रमा पर फ्रेंड क्या है कि 2.4 किलोमीटर यानी कि जो है 2.4 किलोमीटर 1 सेकंड में अगर चला जाएगा
तो जो है वो फिर चंद्रमा पर लौट करके वापस नहीं आएगा फ्रेंड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन बेग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का पलायन बेग कितना है, 11.2 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा पृथ्वी का सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भू स्थिर उपग्रह जब हम लोग छोड़ते हैं फ्रेंड्स जब छोड़ते हैं तो उसका जो है 24 घंटा में एक बार पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहता है, उसके सापेक्ष घूरते रहता दिखाई देता है। दाब का ऐसा मात्रक फ्रेंड्स क्या होता है, न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है या पास्कल भी होता है फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड्स, वायु दाब मापी, जब फ्रेंड्स वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाता है यस, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि मौसम स्वस्थ दिखाई देता है। क्या होता है, मौसम स्वस्थ दिखाई देता है। अगर फ्रेंड्स अचानक अगर गिर जाता है वायु दाब का पारा, अचानक क्या हो जाता है, गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। क्या होती है, आंधी तूफान आती है, तो ध्यान रखिएगा। आगे दिया फ्रेंड्स कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव होता है जिसके कारण वर्षा की बूंदें जो क्या होता है, गोलाकार दिखाई देता है। और शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में क्या होते हैं, शेविंग ब्रश फ्रेंड्स जब देखते होंगे कि जल में डुबाने पर छितरा हुआ रहता है इस प्रकार से, तो जल में जैसे ही डुबाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, सिकुड़ जाता है। किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। आगे प्रश्न फ्रेंड्स, केशिता यानी कैपिलरी के कारण फ्रेंड कि लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। फ्रेंड देखते होंगे कि लालटेन की बत्ती में जो होता है फ्रेंड वो तेल होता है कि यानी कि बत्ती में जो होता है भींग करके यानी किसी तत्व के यानी क्रिया के कारण जो है बत्ती में तेल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ब्लॉटिंग पेपर में पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी एक किसी तत्व के कारण होता है। फ्रेंड ब्लॉटिंग पेपर जब हम स्याही को सुखाते हैं फ्रेंड तो भी एक किसी तत्व क्रिया के कारण, किसी तत्व क्रिया के कारण ही होता है। फ्रेंड आगे देखिए फ्रेंड, ध्वनि तरंगे जो होता है फ्रेंड अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण है। फ्रेंड ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे का उदाहरण, जबकि प्रकाश तरंगे फ्रेंड्स अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। फ्रेंड ध्वनि को जो है तरंगे को यानी कि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, आवृत्ति का मापक यानी कि फ्रेंड्स आवृत्ति को जो है यानी फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मापते हैं, हर्टज में मापते हैं। फ्रेंड HZEC को बोलते हैं या हर्टज भी बोला जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। फ्रेंड वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फ्रेंड जैसे जल में जो इसका का होता है कि ठोस में जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका भार का अति ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो फ्रेंड्स जल में हो जाता है 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहा में फ्रेंड्स 5130 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ध्वनि का चाल फ्रेंड जो है ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, जो जितना ठोस रहेगा उसमें उतना ही अधिक होता है। आगे देखें, ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड दाब से जो है ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखें फ्रेंड्स कि ध्वनि की चाल तरंगदैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल फ्रेंड तरंगदैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। आगे देखें फ्रेंड, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। फ्रेंड क्या होता है कि जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स कि 20 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे कहते हैं फ्रेंड, लेकिन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंग को हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज के लिए श्रव्य तरंगे कहते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, मनुष्य लोग सुन सकता है, मनुष्य फ्रेंड्स श्रव्य तरंगे ही सुन सकते हैं। आगे देखें फ्रेंड्स कि 20,000 से ऊपर जो श्रव्य तरंगे होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राश्रव्य तरंगे, ये जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे देखें फ्रेंड्स कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को क्या होता है, मानव कान सुन सकता है। अभी बताया फ्रेंड्स कि ये जो है यानी कि श्रव्य तरंगे फ्रेंड्स ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मानव कान सुन सकता है। कुत्ता बिल एवं चमगादड़ फ्रेंड 20,000 हर्ट्ज यानी कि प्राश्रव्य तरंगे जो है यानी कि ये सुन सकते हैं,
यानी कि 20,000 से 28,000 से ज़्यादा जो सतरंगे हैं जिसके ऊपर आश्रय होते हैं, कहते हैं फ्रेंड्स वो क्या होता है, कुत्ता बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि प्रास्रव तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने और वायुयान तथा घाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। फ्रेंड किसका, तो प्रास्रव तरंगे से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो समुद्र की गहराई भी ज्ञात करते हैं। फ्रेंड ट्यूमर जो होता है जिस किसी व्यक्ति का उसका पता लगाते हैं, वायुयान तथा घाड़ियों के पुर्जों को साफ करते हैं, किससे, प्रास्रव तरंगे से। फ्रेंड आगे देखिए फ्रेंड्स प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। फ्रेंड अगर हम जब कोई बस कोई चीज़ से हम जो प्रावर्तक सतह से हमें सतह से जो है यानी कि ध्वनि सुनना है तो हमें उसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। फ्रेंड जैसे प्रतिध्वनि कहने का मतलब होता है कि जैसे कि हेलो हेलो बोलते हैं तो वो एक बार हम लोग बोलते हैं वो 3 से 4 बार बोलता है, इसी को ना प्रतिध्वनि की, एक ध्वनि को कई बार सुनना, यानी कि कितना दूरी होना चाहिए श्रोता अवधि के बीच, तो 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स कि लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड चाहे लोलक का द्रव्यमान जितना भी हो उसका आवर्तकाल जो है यानी कि लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए फ्रेंड्स कान पर ध्वनि का प्रभाव यानी कि 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी कि जो फ्रेंड्स कान पर जो है यानी कि ध्वनि जो है 1/10 सेकेंड में हर एक ध्वनि सुनते जाते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा हमारे कान पर प्रभाव नहीं रहता है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि सी पी जो है इक्वल टू आर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है, किससे, मेयर सूत्र। चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।